अमर रहे रणजीत भाई, हरियाणा के जींद में एक और किसान की टीकरी बॉर्डर पर दिल्ली टिक। हरियाणा के जींद जिले में एक और किसान की टीकरी बॉर्डर पर दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। आज मृतक किसान रणधीर के पैतृक गांव धापड़ा में हजारों किसानों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। किसानों ने 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबे काफिले के साथ हाथों में तिरंगा और भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य किसान संगठनों के झंडे लेकर कई गांवों से होते हुए बाइक रैली निकालकर किसान को अंतिम विदाई दी। हमारा जो किसान आंदोलन दिल्ली के अंदर चला हुआ है, उस आंदोलन में गया हुआ था, 28 तारीख से वहाँ पर डटा हुआ था और कल रात 2:30 बजे इसके सीने में दर्द होया और हार्ट अटैक होने से इसकी वहाँ मृत्यु होगी। और जब पता चला तो सुबह साथियों ने, इसके साथ थे गांव के 10-12 साथी, तो वो हॉस्पिटल में लेके गए और पोस्टमार्टम करवा के अब 4:30 बजे के करीब इसका दाह संस्कार किया है। तो क्या नाम है, परिवार में कौन कौन है, कितने एकड़ का जमींदार है? रणधीर सिंह नाम है, तो 4 एकड़ का जमींदार है। इसके 2 लड़के हैं, एक की लड़के की उम्र 24 साल है, दूसरे की 21 साल है। तो शादीशुदा नहीं है? नहीं, शादीशुदा नहीं, लड़का बिल्कुल भरा पूरा परिवार है। ये भी जवान लड़का कहूँगा मैं, इसकी 52 साल उम्र थी। 52 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज हमारे 70 हरियाणा से किसान वहाँ पर शहादत दे चुके हैं। और अगर बात पूरे देश की जाए तो 171 के करीब वहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने शहादत दे चुके हैं। लेकिन हमारे अगर जींद जिले की बात करें तो 5 किसान वहाँ पर शहादत को प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे में कैसी लड़ाई जारी रहेगी आप लोगों से? नहीं, लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हमने ठान ली है किसान अब अपनी कितने भी शहीद हो, हम सारे के सारे भी वहाँ पर जान दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला है। जब हमारी सरकार रोजी रोटी छीनना चाहती है, हमने अपने फसलों की, नस्लों की और अपनी ज़मीनों की रक्षा करनी है। जब लग ये काले कानून सरकार वापस नहीं लेती तो किसान दिल्ली के अंदर डटा रहेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तकलीफें बहुत है वहाँ। सरकार ने वहाँ राशन पानी भी बंद कर दिया है, बिजली भी काट दी है, लेकिन सरकार कितना भी कष्ट पहुँचाओ, हम शांतिपूर्वक तरीके से अनुशासन में इस आंदोलन को जारी रखेंगे और जब तक दिल्ली के अंदर डटे रहेंगे, जब लग ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते और MSP पर कानून। जींद से परमजीत पवार की रिपोर्ट।